गुलाबी ठंड के बीच एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। भाजपा सांसद छेदी पासवान के बयान पर कांग्रेस विधान दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि सांसद छेदी पासवान ने नीतीश जी की दाऊद से हाथ मिलाने की बात कही है, इतनी घिनौनी बात वो बोले हैं, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश जी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ आइए, सभी सेकुलर पार्टी को मिलाकर सरकार बनाते हैं और नए सिरे से काम करते हैं। बता दें कि भाजपा सांसद छेदी पासवान ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं। इस बयान के बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार एनडीए में टूट दिख रही है और बयानबाजी लगातार हो रही है एनडीए में ही। भाजपा के लोग नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आश्चर्य है। अभी कुछ दिनों पहले देखा मैंने कि प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी ने कह दिया कि महाराष्ट्र और बंगाल से आपको अधिक बिहार को पैसा दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। फिर अभी देखा आदरणीय छेदी पासवान जी सांसद है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को 2.5 साल जदयू को रहना चाहिए, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी को रहना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। और यह भी कह दिया, बड़ा दुर्भाग्य है, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लगता है वो सुने नहीं होंगे, कहता है कि वो सत्ता के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं। इतना घिनौनी बात, इतना नीचे की बात को एक सांसद सोच के बोले मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री उस पर कुछ बोले ना। मैं तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ दबाव में काम कर रहे हैं तो आइए मिलजुल के फिर एक सेकुलर पार्टियों को सबको मिला के एक सरकार बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। दबाव में रहिएगा भारतीय जनता पार्टी के तो आप विकास इससे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ उनसे, आग्रह करता हूँ कि आप आइए और फिर से नए सिरे से सेकुलर पार्टियों को मिला के, चूँकि आप सेकुलर मिजाज के लोग हैं, फिर से बिहार को विकास की नई ऊँचाई पर ले जाने का काम करते हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।